बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हफीज़ फ्रॉम प्रोग्रेसिव मिडिल स्कूल। फर्स्ट टू एक्सरसाइज 1.3 में हमने फर्स्ट फोर क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर लिए थे, अब थ्री क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में आप इसका थोड़ा डिफरेंट मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग आपने फर्दर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2, यानी कि ये 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 और -2। आपने पहले इसको उस फॉर्म में बनाना है, इक्वल किस तरफ लें, -7x की पावर 1/2 -2 इक्वल टू, तो ये इक्वल किस तरफ आएगा, ये -2 इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने लेट करना है, मैंने बोला है कि आपने जो वेरिएबल की पावर कम होगी अपने उसको लेट करके फर्दर बड़ी में जाना है, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ है 1/4 और 1/2 है, तो 1/4 छोटी वैल्यू आपने लेट करनी है, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो अब आप टेकिंग स्केयर बोथ साइड, स्केयर लेंगे 2 1s are 2 2s are 4, तो क्या होगा, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने जो वैल्यूज़ लेट किए हैं आप इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि 5x का स्क्वेयर किसके इक्वल आया, वाई स्क्वेयर, और -7, और आपके पास जो -7 है उसमें जो आपके पास x की पावर 4 है वो किसके इक्वल है, वाई के, और +2 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि आप इसके बाद आपके पास तीन मेथड है जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो मैं इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट नंबर को, तो 5 2s are हमारे पास क्या हो गया, 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए, प्लस माइनस करेंगे तो 7 आए, तो 5y² -5y और -2y +2 इक्वल टू 0। 5 2s are 10 और 5 और 2 को ऐड करो तो 7, तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, 5y, हमारे पास क्या रह गया, वाई -1 और यहाँ -2 कॉमन है, माइनस भी कॉमन लाया गया, वाई माइनस हो गया और प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्दर हमारे पास वाई माइनस वाई कॉमन आ गया, तो 5y -2 इक्वल टू 0। तो अब y-1 इक्वल टू 0 और y 5y-2 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 और सेकेंड आंसर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, प्लस 5 डिवाइड करेंगे तो 5y, तो हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक y की ये वैल्यू होगी, बट हमारे पास वेरिएबल क्या थे, x था, तो जिसमें जो वेरिएबल में क्वेश्चन होगा आपने फर्दर उसको वापस वहाँ पे कन्वर्ट भी करना है। तो y इज इक्वल टू 1 जो आपके पास आंसर आया है, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y क्या है, 1, तो पावर 4 ले लें बोथ साइड, 4 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 4 1 होती है, एक आंसर। सेकंड आपके पास x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, y यहाँ पे क्या है, 2/5, 1/4 इज इक्वल टू 2/5, तो यहाँ पे भी आप इसकी पावर 4 ले लें, इसकी पावर 4 ले लें, या 4 4 से कट गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आ गई, तो 5 की पावर 4 आप लेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 और आपके पास 625 आई थिंक। अब इसको चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 16/625 व्हाटएवर जो भी है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के आगे मज़ीद जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपने इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, पहले आपने उसको लेट करना है वेरिएबल एक्स में, ताकि आप उसको ना आपके पास फैक्टर्स फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ 1/2 है, 1/4 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, 1 और 2 क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे आप उसको लेट करने के बाद वाई में लाएंगे, जब वाई में लाएंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इन इक्वेशंस फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग से, या जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे आप इसको सॉल्व करने के बाद, वाई की वैल्यू निकालने के बाद आप दोबारा एक्स में पुट करेंगे आंसर निकालने में। हम फर्दर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, जैसे अभी आपको मैंने समझाया, एक्स की पावर 2/3 है, 54, एक्स की पावर 1/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही आपने वैल्यू, एक 1/3, एक 2/3, 1/3 को आपने वाई लेट किया, स्केयर लिया तो 2/3 इज इक्वल टू वाई स्केयर, सेम है, एक्स 3/2 की जगह वाई स्केयर आ गया, -15 इसकी जगह वाई आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन अप्लाई की गई है, फैक्टराइजेशन आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवा चुका हूँ। यहाँ पे भी वाई कॉमन है, वाई -9, -6 कॉमन है, वाई -9, वाई -9 करने के बाद आपके पास ये वाई के दो आंसर आ गए।
अब इनको आपने फर्दर इसी तरह इक्वेशन वन के अंदर यहाँ पे पुट किया, तो वाई नाइन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब क्यूब से कट के एक्स इज इक्वल टू नाइन का क्यूब लिया तो 729। सिमिलरली आपने दूसरी वाई की वैल्यू 6 थी वो भी आपने क्यूब ली, यहाँ क्यूब क्यूब से कट के एक्स इज इक्वल टू 216। तो ये आपके दो आंसर आ गए जो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके हैं उसका भी एक पार्ट में आपको और करवा देता हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप देख लें, ये भी सिमिलरली आप माइनस टू और एक माइनस वन पावर है, तो माइनस वन आप छोटी पावर उसको वाई ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसका स्क्वेयर लिया आपके पास तो माइनस टू इंटू वाई स्क्वेयर हो गया। सिमिलरली आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशंस के अंदर, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन की, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू को फर्दर आपने जो वैल्यू लेट की हुई है यहाँ पर एक वैल्यू और यहाँ दूसरी, ये इस वैल्यू में आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इस जगह पर, तो आपके पास एक्स की एक आंसर वन आ जाएगा और दूसरा एक्स का 5/3 आ जाएगा। ये आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने का तरीका बताया। अब आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो आपके जो फर्स्ट 6 पार्ट तक आपके क्वेश्चंस हैं आप इनको इसी इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।